कि आपको पता है कि बैटरी MAH क्या है, मतलब जो बैटरी में लिखा होता है 2000 mAh, 2500 mAh, 4000 mAh, तो MAH का मीनिंग क्या है, MAH का फुल फॉर्म क्या है, बात करेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो को एंड तक देखिए, नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो MAH है उसका जो फुल फॉर्म है वो है मिली एम्पेयर हावर। ओके, एम से मिली, ओके, ए से एम्पेयर और एच से हावर। ओके, MAH इज 1000th ऑफ एन एम्पेयर हावर। जो एम्पेयर हावर होता है, EH जो होता है एम्पेयर हावर, वो जो है MAH जो है मतलब मिली एम्पेयर आवर 1000 बार होने के बाद ही एक एम्पेयर आवर बनता है। ओके, मिली एम्पेयर जो है MAH 1000 बार होने के बाद AH बनता है, मतलब एम्पेयर आवर बनता है। ओके, MAH इज ए टेक्निकल टर्म। ओके, ये एक टेक्निकल टर्म है फॉर हाउ मच इलेक्ट्रिकल चार्ज ए पर्टिकुलर बैटरी विल होल्ड। ओके, ये एक टेक्निकल टर्म है जिससे कोई भी इलेक्ट्रिकल चार्ज को एक पर्टिकुलर बैटरी में होल्ड करके रखते हैं, मतलब कितना होल्ड हो रहा है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं MAH से। इस बैटरी में 2000 mAh हो सकता है, उस बैटरी में 4000 mAh हो सकता है, और एक बैटरी में जो है 5000 mAh हो सकता है, मतलब कितना चार्ज का कैपेसिटी उसमें होल्ड रहेगा वो हम रिप्रेजेंट करते हैं MAH से। ओके, एज ए एग्जाम्पल, ओके, एज एन एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, यूजिंग हायर MAH बैटरीज इन ए डिवाइस विथ कॉन्स्टांट इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन विल थ्योरिटिकल गिव यू लॉन्गर ऑपरेटिंग टाइम्स। ओके, देखिए, जितना ज़्यादा MAH का बैटरी होगा उतना ही वो ज़्यादा देर तक चल पाएगा। ओके, मान लीजिए एक बैटरी 2000 mAh है और एक बैटरी 5000 mAh है, और आप दोनों डिवाइस में एक जैसे डिवाइस है लेकिन अलग अलग हैं, और वो इंक्लूड आप करते हैं, लगाते हैं एक 2000 mAh का बैटरी और एक 5000 mAh का बैटरी, तो क्या होगा, जो बैकअप टाइम होगा 5000 mAh का बैटरी का ज़्यादा होगा एस कम्पेयर टू 2000 mAh का बैटरी। ओके, इसलिए जितना MAH का बैटरी ज़्यादा होगा, मतलब जितना बैटरी का MAH ज़्यादा होगा उतना ही वो बैकअप ज़्यादा देगा, और आप लॉन्ग टर्म तक, मतलब लॉन्गर ऑपरेटिंग कर पाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।